और आपका आज की वीडियो स्वागत है। आज की वीडियो हम लेकर आए इसका टाइटल है, मुंबई के वानखेड़े में रोहित और कोहली ने दिल खुश कर दिया, T20 वर्ल्ड कप आरजे रौनक। तो चलिए देखते हैं वीडियो। लेकिन से पहले इस वीडियो से आने का विजुअल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर को फॉलो करें इनकी चैनल को। उसके अलावा लोकेशन के लिए इंस्टाग्राम लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर को फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। अटेंशन लेडीज एंड जेंटलमैन, एयर इंडिया की विमान संख्या AI-24WC दिल्ली के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर लैंड कर चुकी है। बाहर हवा में नमी नहीं, खुशी है। आप सभी अपने कानों में रुई डाल लीजिए, क्योंकि बाहर जनता की आवाज आपके कानों को नुकसान पहुंचा सकती है। शायद यही अनाउंसमेंट हुई होगी जब कल टीम इंडिया का विमान दिल्ली उतरा होगा। हेलो, मेरा नाम है रौनक और आप देखना शुरू कर चुके हैं रणतंत्र। बहुत बहुत मुबारक हो दोस्तों, वर्ल्ड चैंपियन इंडिया वापस आ चुकी है। हमारी टीम का क्या भयंकर स्वागत हुआ है। 17 साल पहले भी जब हम वर्ल्ड कप जीते होंगे तब भी शायद यही सेलिब्रेशन रहा होगा, लेकिन तब तो हम नादान बालक थे इसलिए याद कुछ नहीं है। लेकिन अब कल जो सेलिब्रेशन हुआ है उसकी एक एक झलकी, एक एक बात आपको इस वीडियो में पता चलेगी। मजा ना आए तो पैसे वापस वाला वीडियो है, व्हाट्सएप पर फैला दो, सोशल मीडिया पर लिंक लगा दो, पूरी दुनिया को पता चलना चाहिए कि चैंपियंस का स्वागत आखिर होता कैसे है। तो दोस्तों, शुरुआत हुई सुबह 6 बजे के करीब। अगर आप दिल्ली में नहीं है तो आपको बता दूं कि दिल्ली में एकदम मस्त चाय पकौड़ी वाला मौसम है, मीठी मीठी ठंड हो जाती है सुबह। ऐसे मौसम में दिल्ली वाले सुबह 10 बजे तक चादर तान के सोते हैं और मजा ले कि कोई माई का लाल उनको बिस्तर से निकाल दे। लेकिन कल सुबह 5 बजे से ही एयरपोर्ट पर भीड़ जम चुकी थी। लोग वेट कर रहे थे कि कब फ्लाइट लैंड होगी। सब पायलट को यह कहना चाह रहे थे कि भाई 100-200 एक्स्ट्रा ले ले, लेकिन जल्दी लैंड करा दे। फ्लाइट AI-24WC यानी एयर इंडिया 2024 वर्ल्ड कप सुबह 6 बजे के करीब दिल्ली लैंड करी और रोहित शर्मा की टीम फैंस के नारों के बीच बस में सवार होकर दिल्ली के धौला कुआं में अपने होटल पहुंच गई। यहां पर उनका स्वागत ढोल नगाड़े और डांस के साथ हुआ। हार्दिक पंड्या, यशस्वी जायसवाल और सूर्य कुमार यादव ने जमकर डांस दिखाया, लेकिन महफिल लूट ली रोहित शर्मा ने जब उन्होंने उतरकर वर्ल्ड कप की ट्रॉफी को हवा में लहराया। वो मेडल का टुकड़ा जिसको जीतने के लिए 2007 से हम परेशान थे, भारतीय धरती पर 2024 में उसी की पहली झलक हमने देखी। इसके बाद होटल में केक कटिंग सेरेमनी हुई और खिलाड़ी अपने अपने रूम में पहुंच गए। इसके बाद टीम होटल से तैयार होकर बस में बैठी, लेकिन बस चली नहीं क्योंकि कुलदीप यादव ने आने में थोड़ी देर लगाई। जब आए तो उनके बालों को देखकर लगा था कि भैया नहा धोकर पहुंचे। उनके बस में बैठते ही बस चल दी और पहुंची मोदी जी के घर, जिसका एड्रेस है 7 लोक कल्याण मार्ग, 7-7 थला फॉर अ रीजन। यहाँ मोदी जी ने पूरी व्यवस्था कर रखी थी। कैमरा वाला एकदम तैयार था, जिसने मोदी जी के साथ पहले ग्रुप पिक्चर निकाली, उसके बाद सबकी सोलो पिक्चर भी निकाली। यहाँ से खा पी कर टीम निकल गई सीधे एयरपोर्ट के लिए, जहां पर उनके लिए इंतजार कर रही थी फ्लाइट UK-1845। इस फ्लाइट नंबर पर भी गौर कीजिए, फ्लाइट नंबर के साथ कोहली और रोहित को ट्रिब्यूट दिया गया। फिर जैसे ही फ्लाइट मुंबई पहुंची, उसे वाटर कैनन से सैल्यूट दिया गया। यही नहीं, अभी और सुनिए, मुंबई में दोपहर के टाइम भी मरीन ड्राइव जाम हो गया था। भैया, मुंबई पुलिस ने पहले ही बता दिया था कि अगर आपको खुला वातावरण पसंद है तो मरीन ड्राइव की तरफ ड्राइव करके मत जाइए। लेकिन जब यहाँ पर ओपन बस से सवार होकर टीम इंडिया आई तो यकीन मानिए दोस्तों, कई लोगों के तो आंसू कम पड़ गए। खचाखच भरी मरीन ड्राइव पर जब ये बस निकली और उसके ऊपर हमारे चैंपियन खिलाड़ी दिखे तो ऐसा लगा कि जिंदगी में जिस चीज की कमी थी वो पूरी हो गई। ऐसी ऐसी होलसम फोटोज थी कि क्या बताऊं। दिल बाहर निकल कर ये बोलने वाला था कि भाई अब कितनी खुशी देगा। कलेजा कह रहा था कि इतनी ठंडक तो आज तक कभी मिली ही नहीं। मेरे हिसाब से तो एक साथ एक जगह पर इतने खुश लोगों के इकट्ठा होने का रिकॉर्ड बन गया होगा। और फिर जब विराट कोहली और रोहित शर्मा ने बस के आगे आकर वो ट्रॉफी हाथ में उठाई, ओ हो भाई, टाइटैनिक के सामने जैक और रोज का पोज भी फेल हो गया। फिर रोहित शर्मा ने शाहरुख खान वाला पोज भी कर दिया और जनता उतनी ही पागल हुई जितनी मन्नत के बाहर होती है। कुल मिलाकर एक बात क्लियर हो गई दोस्तों कि इस देश का सबसे बड़ा धर्म क्रिकेट है। बेहतरीन बस राइड के बाद टीम वानखेड़े पहुंची और यहां पर भी होलसम मोमेंट्स की कोई कमी नहीं थी। 2 महीने पहले तक हार्दिक पंड्या को ट्रोल कर रहा वानखेड़े का क्राउड हार्दिक हार्दिक के नारे लगा रहा था। और वानखेड़े में ट्रॉफी के साथ एंट्री मुंबई के कप्तान हार्दिक ने ही करी। विराट कोहली को जब बोलने के लिए बुलाया गया तो उन्होंने जसप्रीत बुमराह के लिए तालियां बजवा दी। रोहित शर्मा के साथ गले मिलने वाले मोमेंट को अपना सबसे स्पेशल मोमेंट बता दिया। रोहित शर्मा को तो वानखेड़े की जनता ने पहले ही बोलने नहीं दिया, लेकिन जब रोहित बोले तो उन्होंने दिल जीत लिया। कोहली ने बुमराह के लिए ताली बजवाई थी, लेकिन रोहित शर्मा ने हार्दिक पंड्या के लिए तालियां बजवा दी और कहा कि सबसे इंपॉर्टेंट आखिरी ओवर फेंकने के लिए हार्दिक पंड्या तारीफ के काबिल है। और दिन का सबसे बढ़िया पार्ट आया तब जब टीम इंडिया वानखेड़े में विक्ट्री लैप ले रही थी और कोहली रोहित एक साथ डांस करने लगे। भाई कसम से, अगर मुझे कल सुपर पावर मिलती और मुझसे कोई पूछता कि दुनिया में तुम्हें कहां होना है तो मैं लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क नहीं बल्कि मुंबई का वानखेड़े मैदान चुनता। फिजिकली मैं वहां भले ना जा पाया हूं, लेकिन मेंटली मैं और मेरा दिमाग अब शायद हमेशा वानखेड़े में ही रहेगा। इतनी खुशी के पल एक ही दिन में मेरी जिंदगी में
शायद ही कभी आए हो। ये पल लाने के लिए टीम इंडिया का बहुत बहुत आभार और शुक्रिया। आपका भी दिल अगर खुशी से गार्डन गार्डन हो चुका है तो उस गार्डन के फ्लावर से कमेंट बॉक्स भर डालिए और बताइए कि आप कितने खुश हैं। मैं प्रॉमिस करता हूँ सारे कमेंट पढ़ूंगा और बढ़िया वाले कमेंट का रिप्लाई भी दूंगा। चैनल याद से सब्सक्राइब करके जाना, फेसबुक पे देख रहे तो पेज को जरूर लाइक करना। कल का जो पूरा दिन था सबसे फेवरेट मोमेंट कौन सा था उसके बारे में भी कमेंट करके जरूर बताना। कल मिलते हैं, जय हिंद। और एक बार इंडिया इंडिया। भाई बाकी कल का जो व्यू है ना वो मैं कहूंगा कि वाकई भाई मुंबई की पब्लिक ने ना एक रिकॉर्ड बना दिया, लोगों को हैरान कर दिया है। जिस तरह जो है मैं कहूंगा मरीन ड्राइव पे आपको लोग देखने को मिले हैं लिटरली, वो जो है वो मैं कहूंगा कि भाई समटाइम्स आपको यकीन नहीं आता कि भाई इतनी पब्लिक एक साथ बाहर निकल सकती है। मुझे ऐसा लगता है कि लाइक कल का जो दिन था ना उसको सम अप करना बड़ा डिफिकल्ट है क्योंकि इतने ज्यादा मोमेंट्स है कि आप किस किस मोमेंट को डिस्कस करो आपको नहीं समझ आती। लेकिन इस वीडियो में मैं ये बात बोलूंगी कि एक रीकैप हम लोगों को जो है वो दिखाया गया कि कहाँ से स्टार्ट हुआ और कहाँ पर इख्तिताम हुआ। तो जैसे ही टीम इंडिया लैंड करती है फिर उसके बाद होटल में जैसे केक कटिंग का उन्होंने बताया, फिर थोड़े से बीच में चुटकुले भी लगाए जैसे कुलदीप यादव को लेकर कि भाई वो लेट हो गए, फिर उसके बाद बस चली, फिर पीएम हाउस गई जो कि हम लोगों ने वो वाली वीडियो भी देखी थी। खैर अभी उस इंटरव्यू का बहुत ज़्यादा शिद्दत से इंतज़ार है। फिर उसके बाद जिस तरीके से जो एयरप्लेन है उसको एक तरह से आपके लोगों के ट्रिब्यूट के लिए जो है वो नंबर जो है पानी के थ्रू, मुझे लगा कि शायद जो पहले वाला प्लेन था ना जो जैसे ही लैंड हुए थे उसका है, लेकिन ये दूसरे वाला नहीं, तो मुंबई ये तो विस्टारा जो है मुंबई में लैंड हुआ था ना जिसपे आए थे वो एयर इंडिया था। अच्छा भाई कल जो है एक क्लिप मुझे जो है एक ऐसा भी जो है वो देखने को मिला जिसमें बकायदा एक फैन जो है वो दरख्त पे चढ़ गया था। देखा था, वायरल हुआ है, बहुत वायरल हुआ है वो दरख्त पे चढ़ गया, यू फोटोग्राफी। हाँ और लिटरली मैं भाई लोग क्या कुछ करते हैं भाई, क्रेज है लोगों का यार। आप, लेकिन थोड़ा सा ना मुझे लगता है फिर भी अपना ख्याल रखना चाहिए क्योंकि चोट वगैरह भी लग सकती है। बिल्कुल भाई, अगर आप जो है वो थोड़ा सा भी डगमगाए तो आप जो है वो गिर सकते हैं, नीचे भी काफी ज्यादा गिर सकती है। टहनी वही ना, नीचे काफी ज्यादा पब्लिक खड़ी है तो वो थोड़ी सी जो है आपको दिक्कत जो है उस चीज में पेश जो है वो आ सकती है। लेकिन भाई यहाँ से फिर भी वही बात क्या नाम लेते सामने आती है कि भाई कितना ज्यादा क्रेज जो है वो पब्लिक में जो है वो आपको देखने को मिला है। और मैं कहूँगा कि भाई एक भव्य वेलकम था, दिल्ली में भी अगर बात करें आपको वो देखने को मिला, मुंबई में आपको बात करें तो वो भव्य भव्य प्लस आप कह लें। मैं सोच रही थी कि भव्य से भी ज्यादा कुछ अगर एक कोई शब्द होता है ना जो हमें नहीं हमारी डिक्शनरी में वो कमेंट सेक्शन में बता, प्लस प्लस होता है ना वो, जैसे हम क्या किसी चीज को जैसे हम ग्रेडिंग करनी हो नहीं हम लोग जैसे जैसे मार्क्स की ग्रेडिंग करनी है ना ए और ए प्लस, तो ये भव्य भव्य प्लस था। ओके फाइन ठीक है, मौसम का हम लोगों ने बाजो ना वो मान लिया। लेकिन मैं ये बात जरूर बोलूंगी कि मुझे ये भी नहीं पता था कि मुझे लगा कि पहले स्टेडियम में गए और फिर उसके बाद मरीन ड्राइव पर आए। नहीं नहीं, पहले मरीन ड्राइव में मेरा ख्याल है वो गए और बाद में स्टेडियम में मेरा ख्याल है आए हैं। लेकिन अगर वैसे मोमेंट्स की बात करें तो जो लोग स्टेडियम में थे पहले तो वो उस टाइम पर तो मतलब रात नहीं हुई थी, वो तो शाम का एक मे भी हो सकता है फिर पहले स्टेडियम गए और बाद में मरीन ड्राइव पे आए। लेकिन खैर भाई, लेकिन व्यू कितना अच्छा ना, देखो एक साइड पे समंदर नजर आ रहा है, एक पर लोगों का समंदर नजर आ रहा है और पूरा स्ट्रेच भरा हुआ है भाई। ये आप देखें, मैं कहूंगा जो बिल्डिंग्स आसपास होती हैं, जैसे हम देखते हैं कि मैच होता है मुंबई में तो आपको छत पे भी लोग जो है वो नजर आते हैं बिल्डिंग्स के, तो आप ये सोचें कि वहां पर जो छतें हैं वो भी भरी पड़ी होंगी। बिल्कुल। अच्छा वैसे मैं ये भी पूछना चाहूंगी कि ये जो परेड है ये सिर्फ मुंबई में हुई है और किसी शहर में भी होगी? क्योंकि आई थिंक जब लास्ट टाइम पर जब इंडिया जीता था तब भी मुंबई में परेड हुई थी और मुझे ये नहीं पता कि बाकी शहरों में हुई थी या नहीं। ये जरूर कमेंट सेक्शन में बताना कि बाकी शहरों में भी करवाई जाएगी या सिर्फ ये मुंबई के लिए था। लेकिन ये कि जो भी मतलब हम लोगों ने जितने भी हम कहेंगे कि वीडियोस देखी है ना, मुझे लगता है कि आज जितनी बात करते जानो उसके बारे में उतना ही कम है। बट एनीवे ओवरऑल मैं कहूँगी बहुत मजा आया वीडियो देखकर, एंड आई होप आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा। और आप जरूर बताइए क्या आप अभी इस शहर से बाहर निकल पाए हैं या नहीं, या अभी तक उन्हीं मोमेंट्स में आप झगड़े में? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जब कोई बहुत खास दिन आपकी लाइफ में आता है ना, आपको ऐसे लग रहा होता है कि जैसे ना नेक्स्ट डे आपको लग रहा होता है कि ये ख्वाब देखा था हम लोगों ने, मतलब ऐसी वाली आपको फीलिंग आती है। तो अपनी जो फीलिंग है वो हमारे साथ जरूर शेयर कीजिए कमेंट सेक्शन में। और कौन कौन वहां पर था प्लीज ये भी जरूर बताइएगा। बिल्कुल। और इसी के साथ